इसराइल और हमास की जंग के बीच एक होश उड़ा देने वाली खबर आई है। हमास के पास पाकिस्तानी हथियार मिले हैं। हमास के आतंकी जो गोला बारूद इसराइल पर दाग रहे हैं, उनमें से कई तो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन जंग में भी पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेचते पकड़ा गया था, और अब दावा किया जा रहा है कि हमास को जो पाकिस्तानी हथियार मिले हैं, वो यूक्रेन के रास्ते ही हमास तक पहुंचे हैं। इस खुलासे के बाद भयंकर बवाल मच गया है। इस खबर के बाद भारत और इसराइल दोनों ही अलर्ट हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से हमास के आतंकी पैराग्लाइडर्स के जरिए इसराइल में घुसे थे, वो स्टाइल पाकिस्तान को काफी पसंद आ रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस जंग में हमास की जीत हो जाए, क्योंकि हमास के आतंकियों ने पाकिस्तान की खुशियां दोगुनी कर दी हैं। पहले तो पाकिस्तान इस बात को लेकर खुश है कि उसके कट्टर दुश्मन इसराइल पर हमला हुआ है। पाकिस्तान की दूसरी खुशी का कारण है कि भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाला कॉरिडोर अब अटक गया है। ये कॉरिडोर बन जाता तो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर में इसराइल और सऊदी अरब का साथ होना जरूरी था। दोनों देश पहली बार इस कॉरिडोर के लिए हाथ मिलाने ही वाले थे, लेकिन हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इसराइल ने पलटवार किया तो सऊदी अरब नाराज हो गया। सऊदी अरब और इसराइल के बीच तनाव दोबारा बढ़ गया है, और इसकी वजह से भारत से यूरोप जाने वाला कॉरिडोर भी अटक गया है। पाकिस्तान भले ही खुशियां मना रहा है, लेकिन भारत और इसराइल अब उसे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान से बदला पीओके के रूप में लिया जाए, क्योंकि इसराइल काफी समय से भारत से बोल रहा है कि उसे कश्मीर में कुछ रिसर्च सेंटर बनाने हैं। अगर भारत ने इसराइल को कश्मीर में लाकर बैठा लिया, तो पाकिस्तान के हाथ से पीओके के साथ साथ कहीं कराची भी ना निकल जाए।